हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्टडी हंट्स चैनल दोस्तों अगर आपने स्टडी हंट्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें दोस्तों आज है 12 फरवरी 2024 देश और राज्यों से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों फर्स्ट वन है तमिलनाडु के एम मंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों कतर ने आठ भारतीय नेवी जवानों को रिहा कर दिया है जिसको पहले कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी फिर वो सज़ा जो थी वो उम्र कैद में तब्दील हुई थी और अब उन्होंने को रिहा कर दिया गया है तो कह सकते हैं भारत की एक कूटनीतिक जीत हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन केंद्रित एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है दिव्य अयोध्या का शुभारंभ किया है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जैसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है तो पहला पॉइंट है दोस्तों सेकंड पॉइंट है दोस्तों इस ऐप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु जो डिज़ाइन किया गया है नेक्स्ट वन है दोस्तों इस ऐप में एक ही जगह पर कई सुविधाएं मिलेंगी जैसे होटल कैब बुकिंग मुख्य पर्यटन धार्मिक स्थानों की जानकारी शामिल है मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर आप अयोध्या के बारे में जान सकते हैं कि कैसे हम किस जगह पर जाएँ कौन कौन से मुख्य पर्यटन स्थल हैं कौन से होटल कौन सी सुविधाएँ हमें मिलेंगी तो ये सब हमें एक में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है और इसका जो डेवलपमेंट है इस ऐप का वो किया है अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा डिजाइन किया गया है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत